अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बकरा ईद की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी, जो कि है बकरे की मुंडी और ज़बान के सालन की रेसिपी। तो सबसे पहले एक कुकर में हम 3 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लेंगे। इसमें 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, 3 से 4 लौंग, काली मिर्च और 1 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की रोस्टमेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे। साथ ही में हमने यहाँ पर 3 बड़े प्याज को पीस लिया है, बिना भुने बिना फ्राई किए हमें इसे कच्चा ही पीस लेना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर अदरक लहसुन अच्छे से भूनने लगा है और कितने अच्छी इसकी खुशबू आने लगी है, इसकी रोस्टमेल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो 1 सेकेंड के लिए और इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज जो कि हमने पीसी हुई थी। सिर्फ प्याज को हमें पीस लेना है बिना पानी डाले इसमें, और इस प्याज को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। प्याज का कच्चापन भी बिल्कुल निकल जाना चाहिए, इसीलिए हमें इसे 10 से 12 मिनट तक भूनना पड़ेगा। अब इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भूनने लगेंगे। आप देख सकते हैं मसाला थोड़ा सा नीचे लगने लगा है, इसीलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि हमारा मसाला जले भी ना और इसमें बहुत ही अच्छे से खुशबू भी आ जाए। और इसमें ऐड करें 1 बड़ा कप अमूल का दही। आप चाहे तो कोई सा भी दही यूज़ कर सकते हैं, घर में बना हुआ दही भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब दही का सारा पानी सूखने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि एक मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। इसीलिए हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे, ताकि दही अच्छे से सूख जाए, दही का पानी। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है, 8 मिनट कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर और अभी भी मसाला भून रहा है। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे बकरे की मुंडी, जो कि हमने अच्छे से धोकर रखी हुई थी, साथ ही में ज़बान भी है बकरे की, वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है, ताकि इसमें जो भी पानी होगा वो भी निकल जाएगा। अब इस स्टेज पर हमें इसे डालना है गरम मसाला 1/2 टीस्पून, या फिर आप पूरा सालन बनने के बाद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अभी कर दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया भी आप अभी चाहे तो अभी डालें, या फिर आप बनने के बाद भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 ग्लास पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं 2 ग्लास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सालन थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। और इस 4 विसल कंप्लीट कर लेंगे इसकी, और इसे इसी की स्टीम में छोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी तरी आ गई है और बनकर तैयार हो चुका है। ये सबसे इजी तरीका है बकरे का मुंडी का सालन बनाने का। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।